परिवार को पति को लेटने नहीं देता। जी, 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 जी। यही हरकत जी, करता है। घर पर कृपा हो, बेटा जॉब करेगा, कृपा होगी आईएएस में, परिवार भी सुखमय रहेगा, पदोन्नति का भी आशीर्वाद। हमने आपके पुत्र की डेट निकाली है, अगर गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे, नियम का पालन करेंगे, तो 2025 के पूर्व तक आपको पुत्र योग बनेगा। गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना है। बाबा के दरबार में अर्जी लगती है। बड़े दिल वाले हैं। बाबा की गद्दी से पर्ची निकलती है। शरीर में दर्द बनता, स्वस्थ होगी, चिंता ना करें, दर्शन करवा दें, कल झाड़ा लग जाएगा, पूरे घर पर कृपा रहेगी। पर्ची पर होता है समाधान। पूर्व में भी अनेक धंधे बिजनेस कर चुके जो सब बंद हो चुके, दुकान में भी आपको रुकावट बन गई, अब आप यह काम कीजिए, बंधन धाम से कटेगा। बाबा के भक्त करते हैं सम्मान। यही सब होता है जब जब बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगता है। समस्याओं के समाधान के लिए भक्त पहले ही अर्जी लगाते हैं, और जब बाबा दरबार में आते हैं तो अपनी कथित दैवीय शक्ति से पर्ची पर अर्जी का जवाब लिखकर बताते हैं। आप बहुत जगह भटक रहे हैं, रुपया बर्बाद कर रहे हैं, बंद करिए बहन। ओझा गुनिया तांत्रिकों में आपने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। ये बहन जी बिल्कुल बंद करिए, इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़िए, हनुमान जी का नाम लीजिए, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करिए, ट्यूब की औषधि लीजिए, एक ट्यूब पूरा ब्लॉक है हमारी जांच में, और डॉक्टर भी यही बोल रहा है, ठीक है? तो आप जाकर के इसका इलाज लीजिए, हम मंत्र चिकित्सा अपनी तरफ से करेंगे, और बागेश्वर बालाजी को ध्याइए, आज से गुनिया चक्कर में मत पड़ना, तो 2026 तक खुशखबरी तुम्हारे घर पर आ जाएगी, आशीर्वाद। इस पर्ची पर क्या क्या नहीं होता। किसी के घर में चोरी होती है तो वो अर्जी लगाता है, किसी को नौकरी नहीं मिलती तो वो भी अर्जी लगाता है। बस इंतजार करना होता है बाबा तक अर्जी पहुंचने का, क्योंकि जैसे ही अर्जी पहुंचती है तो बाबा के हाथों से निकलती है दिक्कतें हल करने वाली पर्ची। घर पर बंधन किया गया है, बंधन के कारण ही यह सब कुछ बंद है। पूर्व में भी अनेक धंधे बिजनेस कर चुके जो सब बंद हो चुके, दुकान में भी आपको रुकावट बन गई, अब आप यह काम कीजिए, बंधन धाम से कटेगा। मुंबई के महादिव्य दरबार को लेकर राजनीति किस दिशा में घूमी है ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए बागेश्वर सरकार को दिया गया ये चैलेंज। ये चैलेंज भी उस पर्ची से जुड़ा है जिसे भक्त बागेश्वर सरकार का चमत्कार बताते हैं, और चैलेंज देने वाली ही उन्हीं श्याम माधव की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, जिसने नागपुर में बाबा के कार्यक्रम का विरोध किया था। यानी नागपुर से जो कहानी शुरू हुई थी वो घूमकर मुंबई तक पहुंच गई है। बागेश्वर सरकार की कथित चमत्कारी पर्ची को लेकर दोबारा चैलेंज किया जा रहा है, और इसी वजह से उठ रहे हैं सवाल, क्या बाबा बागेश्वर इस बार चैलेंज कबूल करेंगे? पूरी सेना गरम चमीचा की माल लगाए, समाधि वाले बाबा की। बाबा के दरबार में भजन और गीत भी गाए जाते हैं, खुद बाबा नाचते भी हैं, और भक्तों को नचाते भी नजर आते हैं। आपके
पास में एक पर्चा है जिसमें 7 प्रश्न लिख करके लाई हैं। बालाजी कृपा करेंगे, पति पर कृपा होगी, घर की चोरी का रहस्य का सुराग खुलवाने के लिए आई हैं, परिवार का ही एक सदस्य केवल मोबाइल नहीं ले गए, मोबाइल के साथ रुपया भी ले गए हैं। इनके पास में 3 मोबाइल हैं चोरी के और साथ में रुपया भी ले गए हैं, परिवार का ही सदस्य है, आप शासन प्रशासन का सहयोग लें, रहस्य खुलेगा तो आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम के प्रतिनिधि कह चुके हैं कि मुंबई के महादिव्य दरबार में भी पर्ची निकलेगी, यानी बागेश्वर सरकार किसी चैलेंज से डर नहीं रहे हैं, पीछे तक नहीं हट रहे हैं, लोगों को इंतजार है तो आमना सामना होने का और चैलेंज पर ताल ठोकने का। मुंबई से ज्योत्सना गंगणे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।